जब मैंने नया नया एमडी रेडियोलॉजी पास किया था, मेरे सीनियर्स कुछ सैलरी ऑफर कोट करते थे। वो बताते थे कि 50,000 पर आवर एक स्टैंडर्ड प्राइस है, या 55,000 पर आवर एक स्टैंडर्ड प्राइस है, या 60,000 पर आवर एक अच्छा प्राइस है, और इस ऑफर पे तुझे काम कर लेना चाहिए। तो मुझे बड़ा अजीब फील होता था और मुझे लगता था कि यार 60,000 या 50,000 पर आवर ये कुछ ज्यादा नहीं है। अगर इसी हिसाब से काम करेंगे तो एक महीने में हम कितनी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेंगे। पर एक्चुअली इसका मीनिंग थोड़ा अलग है। 50,000 पर आवर का मतलब है कि एक महीने में आप 26 डेज काम करेंगे और 4 दिन आपको हॉलीडेज मिलेंगे, यानी वीकली एक ऑफ आपको मिलेगा। और सपोज आप 6 घंटे एक दिन में काम करते हैं, यानी सपोज 9 बजे से 3 बजे तक आप सेंटर में काम करते हैं, तो 6 आवर्स 26 डेज काम करने के आपको 50,000 पर आवर के हिसाब से 50 × 6 3 लाख रुपीस मिलेंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि अगर 60,000 पर आवर का ऑफर है तो इसका मतलब हुआ कि महीने में 26 डेज आप काम करेंगे, और सपोज 6 डेज एवरीडे यू आर वर्किंग, तो एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल गेट 6 × 60,000 पर आवर, यानी 3,60,000। तो एक्चुअल में इसका मतलब थोड़ा डिफरेंट है। पर इसके साथ एक डिस्क्लेमर भी है कि किसी भी ब्रांच को आप इसलिए ग्लोरीफाई मत कीजिए कि उसमें आपको सैलरी ज्यादा अच्छी मिल रही है, क्योंकि एक्चुअली इफ यू आर गुड इन योर फील्ड, इफ यू आर गुड इन योर डोमेन, देन यू कैन अर्न ए लॉट ऑफ मनी irrespective of whichever branch you belong to। For example, अधिकतर लोग डॉक्टर गोविंद राय गर्ग सर को जानते होंगे जो कि फार्मेकोलॉजी के टीचर हैं। तो irrespective of being from a non-clinical branch, उनके पास ऑडी है, पोर्शे है, और उनकी मंथली सैलरी किसी भी एक रेडियोलॉजी से कहीं ज्यादा है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि कोई भी ब्रांच हाई पेइंग जॉब हो सकती है, अगर आप अपनी ब्रांच में अच्छे हो, अपनी ब्रांच में आप एक्सपर्ट हो तो।